अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शादो आबाद रखे। व्यूअर, आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी बेहतरीन अलसेफ होम्यो रिजीम के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ कि जिससे मेरी वो फीमेल व्यूअर्स जो बार बार ये रिक्वेस्ट करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई नेचुरल, कोई सेफ ऐसी मेडिसिन बताई जाए, ऐसी अद्वियात बताई जाए, ऐसा क्रीम बताया जाए कि जिससे हमारे स्किन जो साल हर साल मेकअप और डिफरेंट बीमारियों की वजह से और डिफरेंट मसलों की वजह से हमारी चेहरे और जिल्द जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेरौनकी आ गई है, उसकी कम्प्लेक्शन ख़राब हो गई है, उसकी नेचुरल ग्लो ख़राब हो गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये क्लिनिकली और टाइम टेस्टेड रेमेडीज भी हैं और क्रीम भी है जिसको साल हर साल हमने अपने पेशेंट में यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फर्स्ट मंथ में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर औरत का एक ये बुनियादी हक होता है कि मैं खूबसूरत नजर हूं और इसके लिए बेचारी वो मार्केट से तरह तरह की क्रीमें लाती हैं जिसमें मरकरी भी होता है और भी मुजरे सेहत इंग्रेडिएंट्स उसमें होती हैं जो वक्ती उनके जिल्द को थोड़ी बहुत निखार तो दे देता है लेकिन इन द लॉन्ग रन यानी उसमें बाद में बड़े से मसाइल देखने को मिलते हैं और अल्लाह ना करे बास केसेस इवन स्किन कैंसर तक बात पहुंच जाती है। इस पर मेरी पिछली वीडियो भी है, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसमें मैं आपसे जो मेडिसिन का जिक्र करने लगा हूँ इसको हमने काफ़ी यूज़ किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो इसमें जो पहली मेडिसिन हम देते हैं वो है सल्फर 1M। सल्फर 1M की पहली खुराक ऐसी आप लोगों ने लेनी है कि सुबह नाश्ते से पहले 10 कतरे एक चम्मच पानी में आपने ले लेने हैं, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी डोज 5 कतरे 5 ml पानी में, फिर 5 मिनट के बाद तीसरी डोज ले लेनी है। 3 डोजेस के पूरे होने के बाद 1 घंटा बाद आप लोगों ने नाश्ता करना है और उस दिन आप लोगों ने कोई और दवाई नहीं लेनी, ठीक है। फर्स्ट डे में सिर्फ सल्फर आपने इस तरीके कार से ले ली और सारा दिन आप पानी 18 से 20 गिलास पानी पिए ताकि आपका बिक्चुरेशन यानी पेशाब ज्यादा हो सके। तो जब पेशाब ज्यादा होगा तो आपके जिस्म से जो टॉक्सिक मटीरियल है जो आपके स्किन के नीचे जमा हो चुके हैं तो उनकी लीचिंग यानी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने 100 ml की एक बॉटल ले लेनी है और उसमें आपने होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जिसके मैं नाम ले रहा हूँ नेट्रम्योर 200, इग्निशिया 200, बोविस्टा 200, सीपिया 200 और कैल्केरिया फास्ट 200। इसको 100 ml की बॉटल में डालकर 10 भरपूर झटके देने हैं। फिर आपको इसको लेना किस तरह है, ये आप हर रात को सोते वक्त 10 कतरे आपने आधे कप नीम गर्म पानी में रात को सोते वक्त लेना है, रोजाना एक टाइम। इसके बाद आपने ये करना है कि मार्केट में कोई अच्छी क्वालिटी की आप ऐसी क्रीम ले लें जिसमें कोई केमिकल ना हो, सिर्फ उसमें विटामिन ई हो नेचुरल और आलमंड यानी आलमंड विटामिन ई की कॉम्बिनेशन उस क्रीम में हो और कोई इंग्रेडिएंट उस क्रीम में ना हो। तो उसमें होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जिसको कहते हैं बर्बेरस एक्विफोलियम क्यू ताकत में। क्यू ताकत में आपने ये 20 ml की जर्मनी की बॉटल मिलती है, सारी आपने उस क्रीम में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है, रोजाना रात को इसको लगाएं, ठीक है। और सुबह आप कोई भी अच्छा सा सोप जिसमें केमिकल ना हो, ठीक है, ऐसा सोप उससे धो लिया करें। और अगर आप उससे नहीं धोना चाहें अच्छा यही होगा कि आप नमक वाले पानी से ही धो लें, यानी नमकीन पानी जो होता है उससे बस अपने फेस को वॉश कर लें। क्रीम लगाने का तरीका भी यह है कि आपने क्रीम को जज़ब करवाना है, अपने चेहरे पर उसको जज़ब करवाना है या जहाँ जहाँ आप चाहती हैं कि मेरा स्किन क्लियर हो जाए, उसमें फेयरनेस आ जाए, उसमें ग्लो आ जाए।
तो इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में गाजर, और आजकल बहुत ज्यादा है गाजर और जो सिट्रस फ्रूट हैं, माल्टे हैं, कीनू हैं, फ्रूटर हैं, तो इनका आप यानी माल्टे का जूस और गाजर का जूस, ये बाहम मिलाकर रोजाना एक गिलास आप ये पिया करें। एक तस्वीर इस रिजीम से पहले ले लें, जब एक महीना आप ये मेडिसिन पूरी कर दें तो फिर एक तस्वीर ले लें, उसमें आपको वाजे फर्क नजर आएगा। और ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये क्लिनिकली टेस्टेड हैं, और इसमें कोई मुजरे सेहत चीजें नहीं है मरकरी जैसी, या जो आपके स्किन या हेल्थ को नुकसान दे सकती है। व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।